टाइटल और थंबनेल में हमने बताया कि हम क्रिएट करेंगे एक यूट्यूब चैनल, क्रिएट करके आपको दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे ताकि आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बन सकें। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। आपको पहले ले लेनी है अपनी ईमेल आईडी। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं बनाने आती है, आप एकदम बिगनर हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा, इस वीडियो के आई बटन में भी दे दूँगा कि आपकी ईमेल आईडी आप कैसे बनाएँ। तो बहुत सारे लोग के पास वैसे भी ईमेल आईडी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करें यूट्यूब चैनल। योर चैनल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का नाम रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने नाम से भी रख सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है टेक्नोटेक की बातें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल का नाम रखने से पहले एक बार सर्च बार में जाकर सर्च कर लीजिए कि इस नाम पे कोई चैनल है तो नहीं। अगर इस नाम पे कोई चैनल, बड़ा चैनल होगा या कोई छोटा भी चैनल होगा, बड़ा छोटा कोई चैनल नहीं होता, मतलब चैनल होगा तो फिर आपका उतने जल्दी सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। मैंने जैसे टेक्नोटेक की बातें बनाया, ये बना के मुझे तकरीबन हुआ है 2 से 3 महीना और मेरा पहले ही दिन से सर्च रिजल्ट में आने लगा था मेरा चैनल, इसीलिए मैंने उस नाम पर रखा था क्योंकि उस नाम पर कोई चैनल बना ही नहीं था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। योर चैनल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने बताया। क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चैनल क्रिएट, चैनल क्रिएट हो चुका है। अब ये इस चैनल को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करवाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पर। गूगल पे आपको डेस्कटॉप साइट यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं वहाँ पर बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपको पहले क्रोम ब्राउज़र में खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपका चैनल वेरीफाई होगा। चैनल वेरीफाई होने के बाद, चैनल वेरीफाई होने का एक मतलब होता है, चैनल वेरीफाई आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं डाल सकते, आप थंबनेल नहीं चेंज कर सकते। जो थंबनेल यूट्यूब देगा वही आपको लगाना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से थंबनेल नहीं लगा सकते और आपको थंबनेल लगाना नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप थंबनेल कहां से लगाएं, कैसे लगाएं, और वो दूसरी वीडियो बनेगी उसके ऊपर, एक ट्यूटोरियल बनेगा उसके ऊपर, आप उसके भी देखना। उसके मैं 2-3 दिन में बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हैं उसे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप डेस्कटॉप साइट कैसे लें। एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है राइट साइड में। ये देखिए डेस्कटॉप साइट यहाँ पर है, दसवें नंबर पर डेस्कटॉप साइट आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए अब मेरा डेस्कटॉप साइट खुल रहा है। डेस्कटॉप साइट खुलने के बाद आपको जूम करना है। आपका ये जो सिंबल यहाँ कोने में बना हुआ आ रहा है, एक मिनट, आपका सिंबल ये जो कोने में राइट साइड में ऊपर बना हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करना है आपको जूम करके। एक मिनट मैं करता हूँ जूम। योर चैनल, योर चैनल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज चैनल पर आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको ये राइट साइड में सेटिंग आ रही है, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। अकाउंट मोर ऑप्शन इन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर नहीं आता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो सब्सक्राइबर लिख के आ रहा है ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चैनल पे जाएंगे। चैनल पे जाने के बाद ये देखिए वेरीफाई, वेरीफाई पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए। जैसे मेरी कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑफिशियली ये इंडिया वाले ही देखेंगे, लेकिन कुछ बाहर देश वाले भी हो सकते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको लिखना है, आपको जो चूज़ करना है, जैसे यहाँ पर कॉल मी विथ ये लिखा है, टैक्स मी विथ वेरीफाई कोड, हाँ तो ठीक है, मैं क्लिक करूँगा कॉल मी विथ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है, विथ इज़ योर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपका क्या है ये पूछ रहा है, तो इधर आपको कोई भी नंबर डाल देना है फ़ोन नंबर, और फिर उसके बाद
सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए ये नंबर गलत है क्योंकि मैं डाल नहीं सकता, ऑलरेडी मैं एक चैनल इस पर वेरीफाई कर चुका हूँ और एक चैनल मेरा दूसरे नंबर पर वेरीफाई है, इसलिए मैं नहीं डाल सकता। तो वेरीफाई आप कर लेना, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता चुका हूँ। उधर से कोई OTP आएगा, OTP वन टाइम पासवर्ड आएगा, OTP का वन टाइम पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म है OTP, OTP आएगा, उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूँ। ये देखिए, लॉन्गर वीडियो अपलोड, वीडियो लॉन्गर 50 मिनट, मतलब 50 मिनट से नीचे ही आप वीडियो अपलोड कर पाएंगे। जैसे 14 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की, 16 मिनट की वीडियो आप नहीं अपलोड कर पाएंगे। जैसे बहुत बड़ी बड़ी वीडियो कुछ लोग अपलोड करते हैं, तो उस लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, कस्टमाइज थंबनेल जब तक आपका नहीं क्रिएट होगा, ये देखिए दूसरे नंबर पर है, यहाँ से ऊपर से दूसरे नंबर पे, मतलब ये दूसरी वाली लाइन में दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर है। नॉट इनेबल, इनेबल पे जैसे मैं नॉट इनेबल मोर लर्न मोर पे क्लिक करूँगा, कस्टमाइज थंबनेल है। आप जब तक इसे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये आप नहीं मिलेगा। तो यही था दोस्तों पूरा प्रोसीजर। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करके बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। ओके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और एक आप अच्छे खासे यूट्यूबर बन सकें।